नमस्ते। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बेबी मसाज कैसे करनी है, उसे नहलाना कैसे है और उसके बाद की भी जो धूपन और इस सब की प्रक्रिया है वो हमें बच्चे के साथ कैसे करनी है। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि उसके लिए हमें क्या क्या तैयारी ज़रूरी होती है। देखिए, मसाज करना है इसके लिए हमें तेल ज़रूरी होगा, तो जहाँ तक पॉसिबल है हम बच्चे के लिए सिद्ध तेल जो आयुर्वेद के होते हैं वो यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें लगेगा जैसे संतुलन अभ्यंग कोकोनट तेल है, संतुलन बेबी मसाज तेल है, संतुलन ब्रह्मलीन तेल, श्रुति तेल, बीनस्य सैन घृत, अभ्यंग बेबी मसाज पाउडर, टेंडरनेस धूप, संतुलन का काला अंजन, संतुलन बेबी मसाज क्रीम। तो ये सब तैयारी जो है वो हमें पहले से करके रखनी है। इसके लिए मैं आपको ऐसा सजेस्ट करूंगी कि घर पे एक छोटा सा ट्रे या छोटी सी बास्केट अगर आप बेबी के लिए रख सके, उसके सब प्रोडक्ट्स एक साथ रखने के लिए, ताकि आपको जब भी मसाज देनी हो, नहलाना हो, तो आपको भागा दौड़ी जो है वो ना करनी पड़े। मसाज शुरू करने के पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। एक तो बच्चे को शुरुआत से ही पूरे कपड़े उतार कर हमें मसाज नहीं करना है। जब शरीर की मसाज करना शुरू करेंगे तभी पूरे कपड़े उतारना है। उसके अलावा जहाँ आप मसाज करने वाले हैं वो रूम का टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए। बच्चे को ठंड कभी भी नहीं लगनी चाहिए, तो हीटर का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। उसी के साथ ये भी याद रखिए कि बच्चे को प्यार से बोलते बोलते हमें मसाज करना है। एक काम हमें निपटाना है जल्दबाजी में और फटाफट रगड़ के वो मसाज ख़त्म कर दिए, ऐसे नहीं। उसके लिए थोड़ा सा टाइम रखना जो है वो आवश्यक है। अगर पॉसिबल हो तो बच्चे के लिए घर पे छोटा सा गद्दा रखिए कि जो रेगुलरली उसके मसाज के लिए यूज़ में आएगा, ताकि अगर उसमें किसी प्रकार की ऑयल की स्मेल वगैरह भी रहती है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप उसे रेगुलरली उसी काम के लिए यूज़ कर सकेंगे। मसाज की शुरुआत में हमें बच्चे का जो तालू है उसके ऊपर संतुलन ब्रह्मलीन ऑयल की 2 से 3 बूंदे पहले लगानी है। उसके बाद हमें करनी है तालू भरने की प्रक्रिया। इसके लिए हम संतुलन अभ्यंग कोकोनट ऑयल यूज़ करेंगे, जो हमें थोड़ा सा वार्म कर लेना है। इसके लिए बेबी बॉटल वार्मर जो होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए 1 से 2 चम्मच अभ्यंग कोकोनट तेल लीजिए और उसको धीरे 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 हल्के हाथ से मसाज करते हुए एब्जॉर्ब करवाने का ट्राई कीजिए। इसी प्रकार पीछे का भी जो बच्चे का तालू होता है उसके ऊपर भी हमें ये तेल डालना है और इसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब करवाना है। इस प्रक्रिया को कम से कम एक 30 से 35 सेकंड तो भी हमें आराम से टाइम देना है। अभी इसके बाद हम बच्चे की कान में श्रुति तेल डालने वाले हैं। तो डायरेक्टली तेल डालने की बजाय हम पहले फिंगर पे थोड़ा सा तेल लेंगे और उसके बाद बच्चे के दोनों कानों में हम श्रुति तेल डालने वाले हैं। कानों में तेल डालना आयुर्वेद के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि उससे बच्चे की सुनने की जो शक्ति है, श्रवण शक्ति है, वो अच्छी रहने में मदद मिलती है। अभ्यंग शुरू करने के पहले हम बच्चे के नाभि में 1 बूंद संतुलन का जो बेबी मसाज ऑयल है वो डालेंगे। उसके बाद दोनों जो पैर के तलवे हैं उसके ऊपर 1-1 बूंद तेल की लगाकर हम मसाज की शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले हम दाहिने पैर से मसाज की शुरुआत करेंगे। तो जिस तरह से आपको दिखाया जा रहा है उस प्रकार से आप पहले पैर के हल्के हाथ से मसाज कीजिए, एड़ी से लेकर टोस तक उसके मसाज करते हुए आना है। और उसी प्रकार से आपको वापस लेफ्ट का भी जो पैर है तलवा, उसको भी आपको मसाज करनी है। बच्चे के पैर की मसाज करते वक्त याद रखिए कि मसाज हमेशा नीचे से ऊपर करनी है, ऊपर से नीचे हमें मसाज नहीं करनी है। पहले हल्के हाथ से जो तेल है वो आप नीचे से ऊपर उसको लगाइए। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो घुटने पर आएंगे, तो घुटने पर हमें गोल मसाज करनी है, क्योंकि उसके जो जॉइंट्स हैं उसके हिसाब से हमें मसाज की डायरेक्शन रखनी पड़ती है। जब हम थाइस पे मसाज करेंगे तो थोड़ी सी गोलाकार और पूरे हाथ से लेकर हमें मसाज अच्छे से करनी है। जो हाथ का तलवा है वो अच्छे से हमें उसके ऊपर घुमाना है, उसकी थाइस के ऊपर। और थाइस में जो बच्चे की स्किन के फोल्ड्स भी होते हैं उसके अंदर भी आप तेल अच्छे से लगाएंगे, इसका भी आप ध्यान रखिए। इसी प्रकार से हमें दूसरे पैर का भी मसाज करना है। अब जो हाथों का मसाज करना है उसके लिए भी सेम है, नीचे से ऊपर करना है। हल्के हाथ से ये तेल लगाते हुए गोलाई में मसाज करते हुए हमें ऊपर तक जाना है, कोहनी पर वापस गोल मसाज। और जब शोल्डर्स पर पहुंचेंगे तो शोल्डर जॉइंट के हिसाब से भी हमें जो गोल घुमाकर मसाज करने की ज़रूरत है उसी प्रकार से हम मसाज करते हुए पूरा गर्दन तक उसकी मसाज जो है वो लेकर जाएंगे। इसी प्रकार हमें दूसरे हाथ की भी मसाज करनी है। पेट के ऊपर तेल लगाते वक्त हमें गोलाकार मसाज करनी है। तो जिस प्रकार से हमारा अन्न पेट के अंदर घूमता है उसी प्रकार से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मसाज करने वाले हैं। कभी भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मसाज नहीं करनी है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि कभी कभार बच्चे के पेट में गैसेस हो जाते हैं, तो इस प्रकार से जो पेट के ऊपर तेल लगाने की तकनीक है, इसमें अगर आप रोज़ ब्यूटी का यूज़ करते हैं तो जो बच्चे का पेट दुखना है वो भी कम होने में हमें मदद मिल सकती है। छाती पर तेल लगाते वक्त दोनों हाथों का उपयोग कीजिए।
नीचे से ऊपर और पूरे कंधे तक जाते हुए हल्के हाथ से ऐसे गोलाई से आपको तेल जो है बच्चे की छाती पर लगाना है। चेहरे की मसाज करते वक्त गालों पर वापस गोलाई से हमें मसाज करनी है नीचे से ऊपर। जब हम टुड्डी पर मसाज करेंगे तो हल्के हाथ से हमें अंगूठे से एकदम लाइट प्रेशर बच्चे के इस पर देना है। और उसी प्रकार से जब नाक के ऊपर हम मसाज करेंगे तो हमें वो कार्टिलेज थोड़ी नीचे से ऊपर उठानी है। तो ये जो नोज़ का ब्रिज होता है उसको प्रॉपर फॉर्म आने में मसाज द्वारा मदद हो सकती है। बच्चे की नाक में एक एक बूंद संतुलन बी नसेसैन घृत की डालना अच्छा होता है। इससे बच्चे के साइनसेस क्लियर रहते हैं। जब बच्चे को सर्दी हो या रात को सोने से पहले एक एक बूंद इस तरह प्रकार से वापस डालना अच्छा होता है, क्योंकि बच्चे को नींद भी अच्छी आती है और सर्दी खांसी की भी जो तकलीफ है वो बच्चे को कम रहती है। कानों के ऊपर भी नीचे से ऊपर हल्की गोलाई से, मतलब अपना जो अंगूठा होता है और इंडेक्स फिंगर, उसको हल्के हल्के घुमाकर हमें पूरे कान के जो कार्टिलेज है उसकी मसाज करनी है। इसके बाद बच्चे को उल्टा करके पीछे के शरीर की हमें मसाज करनी है। क्योंकि पैरों को मसाज ऑलरेडी अच्छे से हो चुकी है तो पैरों पर ज़्यादा अभी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्टली हिप्स पे जो है वो गोलाकार मसाज करेंगे। दोनों तरफ के हिप्स को प्रॉपर मसाज हो जाने के बाद फिर हम पीठ की मसाज करने वाले हैं। जो पीठ की मसाज है उसमें हमें पहले तेल अच्छे से पूरी पीठ पर लगा लेना है। उसके बाद हमें जो पूरी बच्चे की स्पाइन है, क्योंकि हमें उसको ताकत देना है अच्छे तरीके से, अगर आप चाहें तो ऐसे वक्त में संतुलन कुंडलिनी तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो संतुलन बेबी मसाज ऑयल ही यूज़ करेंगे तो भी चल सकता है। तो जिस प्रकार से ये अंगूठे से दिखाया जा रहा है वैसे हल्का दाब देते हुए, हल्का प्रेशर देते हुए हमें पूरे स्पाइन पे ये मसाज नीचे से ऊपर करनी है। और पूरे गर्दन जो है पीछे की उसके ऊपर भी हमें ये मसाज करते करते ऊपर तक जाना है। बच्चे के प्रॉपर हाइजीन के लिए और वो जो एरिया है वो पूरा ड्राई रखने के लिए, जो थाइस के अंदर का एरिया है वहाँ पर भी तेल लगाना बहुत ज़रूरी होता है। उसी के साथ लड़कों में पेनिस के ऊपर तेल लगाना और लड़कियों में वजाइना के ऊपर तेल लगाना और रेक्टम एरिया में तेल लगाना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। इस वक्त सफाई का ख्याल रखना ज़रूरी है, इसीलिए पूरी मसाज हो जाने के बाद आप इसको लगाइएगा और उसके बाद इमीडिएटली हाथ धो लीजिए। ये मसाज करने में हमें नियरली 5 से 15 मिनट लगते हैं। बच्चे की उम्र पर डिपेंडेंट रहता है वो कितना हमें सपोर्ट करता है मसाज करते वक्त। ये मसाज जन्म के पहले दिन से शुरू करनी है और वैसे तो रोज़ ही मसाज करना अच्छा है, पर साल भर का बच्चा होने तक ये मसाज आप जितना रेगुलरली कर सकेंगे उतना अच्छा है। मसाज करने के बाद अगर बच्चे को धूप में रखना पॉसिबल हो एक 15-20 मिनट आधा घंटा तो अच्छा है। अगर नहीं पॉसिबल होगा तो आप बच्चे को कपड़े वापस पहना के आधा घंटा रुकने के बाद ही उसे नहलाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। नहाने की तैयारी के लिए पानी का टेम्परेचर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसके लिए मैं आप लोगों को सलाह दूंगी कि घर पे एक थर्मामीटर पक्का रखिए, क्योंकि हमें हमारी जो त्वचा होती है वो बहुत कड़क होती है, उसे शायद बहुत गर्म पानी भी सहन हो जाए, पर बच्चे की त्वचा नाजुक होती है इसीलिए उसके लिए पानी का टेम्परेचर सही होना बहुत ज़रूरी है। पानी नियरली 39-40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा तो ही चलेगा, उससे ज़्यादा टेम्परेचर के पानी से बच्चे को नहलाना गलत होता है। नहाने के लिए हमें संतुलन अभ्यंग बेबी मसाज पाउडर तैयार करनी है, तो उसके लिए 2 से 3 चम्मच बेबी मसाज पाउडर लीजिए और जितनी ज़रूरत हो उतना दूध, और इसको प्रॉपरली मिक्स करके रखिए। बच्चे को नहलाते वक्त किसी की मदद लेना ज़रूरी हो या बाज़ार में मिलने वाले आजकल स्पेशल स्टूल्स होते हैं जिसमें आप बच्चे को रख के नहला सकते हैं, तो सबसे पहले बच्चे को आप सिर जो है उसका वो धो लीजिए, बाल जो हैं, और बाल पूरे सूखे करने के बाद बाकी के शरीर को हमें नहलाना है, ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार की ठंड लगना या उसकी चिड़चिड़ाहट जो है वो होने की संभावना जो है वो कम रहेगी। बच्चे का शरीर पोंछने के लिए हमेशा कॉटन का ही टॉवल यूज़ कीजिए, और पोंछने के बाद हमें सबसे पहले लगाना है वेखंड पाउडर। इससे बच्चे की इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग रहने में मदद मिलती है। बच्चे के पूरे शरीर पर संतुलन बेबी मसाज क्रीम अच्छे से लगाइए। इसमें होने वाला सिद्ध तेल त्वचा का पोषण करता है और प्योर कोकोनट ऑयल 24 घंटे बच्चे की स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। बच्चे की नाजुक त्वचा पर रासायनिक क्रीम का इस्तेमाल टालना ही अच्छा है। इसके बाद हमें बच्चे के लिए धूप करना है संतुलन टेंडरनेस धूप से। इस धूप में चंदन है, गुग्गुल है, कपूर काचरी इत्यादि बाकी सब वस्तुएं हैं जिससे बच्चे की जो प्रतिकार शक्ति है वो बढ़ने में मदद मिलती है, तो बच्चे को किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन जो है वो बार बार नहीं होता है। पूरे शरीर पे हमें धूप करना है, इवन जेनाइटल्स पे भी बच्चे के हमें ये धूप देना है।
अगर आपको थोड़ा डर लगता हो तो ये जो अल्टरनेट मेथड आपको दिखाई है उस हिसाब से भी आप बच्चे को धूप जो है वो दे सकते हैं। इसके बाद पॉसिबल हो तो बच्चे के प्रॉपर मसल टोन के लिए थोड़ी एक्सरसाइजेज आप बच्चे को करवा सकते हैं। हमें बच्चों के आंखों के स्वास्थ्य के लिए आंखों में काजल डालना जो वो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे संतुलन की फार्मेसी में बनाया हुआ जो संतुलन सैन अंजन काजल है वो अगर हम बच्चों के आंखों में डालते हैं तो उसका फ़ायदा होता है, उससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। ये जो काजल है ये डालते वक्त बच्चा थोड़ा रोना स्वाभाविक है, क्योंकि आंखों में कुछ भी चीज़ डालेंगे तो थोड़ा वो डर जाता है, पर इसके लिए हमें वो काजल डालना रोकना नहीं चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट है कि ये काजल कैसे बनाया जाता है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो उसके लिए जल्दी हम इसका वीडियो जो है वो आपके लिए ला रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो अभ्यंग है जो आपके बच्चे की शारीरिक ताकत बढ़ाने वाला है, उसकी शरीर की पुष्टि करने वाला है, उसकी प्रतिकार शक्ति बढ़ाने वाला है, ताकत बढ़ाने वाला है, तो इसके लिए दिन में 15 मिनट तो फैमिली में किसी को भी देते आने चाहिए। केवल माँ ने ही मसाज करनी ऐसा ज़रूरी नहीं है, माँ है, दादी है, पिताजी है, दादाजी है, घर में और भी कोई सदस्य होगा तो उसके लिए ये वीडियो देख के मसाज करने की जो तकनीक है वो एकदम ईजी हो जाने वाली है। तो बच्चे के स्वास्थ्य और अच्छे भविष्य के लिए इस प्रकार से मसाज देना बच्चे को बिल्कुल ना भूलें।